फिर जिम्बाब्वे से हारा पाकिस्तान, क्या पहुंच पाएगा सेमीफाइनल में? पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का ये है आखिरी रास्ता। देखिए पॉइंट्स टेबल का समीकरण जो पाकिस्तान की है आखिरी उम्मीद। पाकिस्तान 131 रनों के मामूली लक्ष्य के आगे 20 ओवर में सिर्फ 129 रन ही बना पाया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 11 रन बनाने थे लेकिन वो लक्ष्य से एक रन दूर रह गया। अब फैंस सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है। ये उसी तरह है जिस तरह से भारतीय टीम की हालत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद 2021 में हो गई थी। एक लाइन में कहा जाए तो तकनीकी आधार पर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ है। अब भी उसके लिए एक बेहद मुश्किल मौका है। वर्तमान में पाकिस्तान ग्रुप 2 अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। भारत 2 जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। सभी टीमों ने 2-2 मैच खेले हैं और अभी 3 मैच बाकी हैं। ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि कौन सा है वो मौका जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में अभी भी बना हुआ है। पहली बात तो ये कि उसको सभी 3 मैच जीतने होंगे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे परिणाम कैसे जाते हैं। पहले पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वो बाकी बचे 3 मैच अच्छी तरह से जीते और इससे उन्हें 6 अंक हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम 6 पॉइंट से कम रहे, फिर उम्मीद है कि शीर्ष 2 टीमों में से एक टीम 6 अंकों के निशान से नीचे रहे, जिसकी संभावना बहुत कम है। खैर गणितीय रूप से पाकिस्तान के पास अभी भी सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है, लेकिन ये लगभग नामुमकिन सा है। और इसके साथ साथ उन्हें किस्मत की भी जरूरत है। कहने को तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गया है, हालांकि ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आपको पूरा इक्वेशन समझ लेना चाहिए। पहला तो ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ अपने सभी शेष मैच जीतने होंगे। दूसरा ये कि ऐसे में भारत को अपने बाकी के 3 मैच भी जीतने होंगे। बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम को उम्मीद करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका अपने 3 में से 2 मैच हार जाए, यानी उसका सामना भारत, पाकिस्तान और नीदरलैंड से होगा। और तीसरा ये कि साथ ही पाकिस्तान को जिम्बाब्वे को कम से कम 2 मैच हारने होंगे। उनका सामना भारत, नीदरलैंड और बांग्लादेश से होगा, यानी कि पाकिस्तान को पहले तो अपने सारे मैच जीतने होंगे, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को भारत के हाथों हारना होगा। वहीं जिम्बाब्वे भी एक मुकाबले में हार जाए तो पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच जाएगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। ये पूरा गणित हमने आपको बताया कि पाकिस्तान किस तरह से अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है। देखना होगा कि आने वाले मुकाबलों में किस तरह का खेल पाकिस्तानी टीम दिखाएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।